बाबा की साकार मुरली है। जुलाई 15, 2023, बाप दादा मधुबन, प्रातः मुरली है, शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा के साथ सच्चे रहो, जो हो रहा है बाबा को बता दे। जितना बाबा को बताते रहेंगे उतनी याद बढ़ेगी, और जितनी याद बढ़ेगी उतनी शक्ति मिलेगी। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते? यानी बाबा हर बात अपने जीवन में कैसे करनी है उनकी पूरी ट्रेनिंग देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, चाहे बूढ़ा हो चाहे छोटा हो, मगर तो होते हुए भी कौन सी बात हम कह नहीं सकते? उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है, ये नहीं बोल सकते। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। ये बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर को बोलते जल्दी चलो, जल्दी चले जाओ यहाँ से। बाबा कहते, इसलिए ऐसा बोल नहीं बोल सकते जब खुद बाप आकर हमारे सामने बैठा है। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है, इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। क्यों बाबा के नहीं कह सकते? पहला, ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, दूसरा, तुम्हें शीतल गोद मिली है, परमात्मा का पूरा प्रोटेक्शन है, तीसरा, इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो, सर्वोच्च बनते हो, चौथा, सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा है, डायमंड एजेड बर्थ है, वहाँ गोल्डन एजेड बर्थ, डिग्री कम हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएंगे, देवी संतान बनेंगे ईश्वरीय नहीं वहाँ, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। बाबा कहते, ड्रामा टिक 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 चलता ही रहता है, इसलिए उसमें जल्दी नहीं हो सकता। जिसका टाइम, समय आता है, समय पर सब कुछ होता है। हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। समय के लिए वेट नहीं करना, कितने साल बाकी है, ये करेंगे, बाबा कहते करेंगे, सोचेंगे तो गे करते रहेंगे तो होने वाला नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल में लाना है। जीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, क्यों? क्योंकि दुनिया में आत्मा बहुत दुखी बन गई है, पतित बन गई है, इसलिए हर आत्मा बुलाती है, हे लिबरेटर, हे पतित पावन, आओ हमें इनसे छुड़ाओ। देवता घराने की जो आत्मा है वो क्या कहेगी? पतित पावन आओ। और दूसरी जो आत्मा है वो कहेगी, हे लिबरेटर आओ। उनको तो सत्यों की सुख का पता ही नहीं है, दूसरे धर्म वाले आत्माओं को, जो देवता धर्म की नहीं है, इसलिए वो लिबरेशन मांगेंगे, मुक्ति मांगेंगे यहाँ से। और जो देवता धर्म वाली आत्माएं क्या मांगेगी? जीवन मुक्ति मांगेगी, स्वर्ग मांगेगी। तो दोनों का स्टाइल अलग अलग रहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भगवान भक्त को, सॉरी, भक्त भगवान को बुलाते हैं, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी है कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं। बाबा के मधुबन में जाए, उसके सामने बैठे और उनके सामने सम्मुख सुने, निमंत्रण देते रहते, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब शिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है ना, कोई मुख तो चाहिए। बच्चे जानते बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण नाम कितना अच्छा दिया। ब्रह्मा के मुख से पूरा का पूरा वंश पैदा होता है, पूरा का पूरा कुल पैदा होता है, कोई कास्ट की बात नहीं है। ब्राह्मण जिसको कहते क्या है? ब्राह्मण कुल भूषण। ब्राह्मणों में भी जो कुल का आभूषण है, जो ब्राह्मण का नाम बाला करता है, मतलब बाबा का नाम बाला करता है, बाबा की श्रीमत अनुसार चलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख
सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है दुख हरता सुख हरता, एक नाम हरि है, दुख हरने वाला मतलब हरि, ये उनका ऑक्यूपेशन है। कोई भी दुनिया में दूसरा का दुख हर नहीं सकता, दूसरों को दुख दे नहीं सकता। परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका दुख हर लेता है और सबको सुख देता है। कभी भी परमात्मा किसी को दुख दे नहीं सकता। वो तो कहते हैं ना, सुख दुख वो देता है, सुख वो जरूर देता है, दुख दे नहीं सकता। उनकी क्वालिटी में ही नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है तो दुख कैसे देगा। वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए है, है ना, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने अल्लाह कहा, खुदा कहा, गौर कहा, भाषा के अनुसार सब कुछ नाम अलग अलग दे दिए, मगर है एक ही। गायन तो बहुत है ने, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, हर हर महादेव, देवों का भी देव, देवों का भी ईश्वर, रामेश्वर गोपेश्वर। तो बाबा कहते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं, कोई दूसरे मनुष्य के लिए, या तो देवता के लिए या देवदूत के लिए या तो कोई धर्म स्थापक के लिए नहीं गाते। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए गाते, रिकग्निशन है ना, उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कुछ नहीं जानते। इसलिए देवताओं को या तो धर्म स्थापक को भगवान कह देते हैं। वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते, कौन ब्रह्मा विष्णु जो है, सॉरी ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव, क्योंकि तो शिव शंकर को एक मानते हैं, ये दोनों अलग अलग। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते। इसमें भी बड़ी बाबा कहते हैं समझने की बात है, शंकर का सूक्ष्म पाठ है, स्थूल पाठ नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का स्थूल पाठ है, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जैसे हम बनते हैं क्या, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो ब्राह्मण, वैसे उनका भी पाठ है। वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते ब्रह्मा और विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है, निराकार, जिसका आकार कोई मनुष्य पशु जैसा नहीं है। आकार जरूर है, कैसा है, लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की ही है। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिसका जन्म अलग अलग जन्म होता है, जिसका अलग अलग जन्म होता है ना, क्योंकि क्या होता है, कृष्ण बड़ा है, राधे छोटी है उम्र में, इसलिए अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, विष्णु का अवतार दो है, इसका मतलब ये नहीं दोनों साथ में आते, चतुर्भुज दिखाते, दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ विष्णु के दिखाते। परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते, यही राधे लक्ष्मी बनती है, यही कृष्ण नारायण बनता है, ये किसको भी पता नहीं है। कितने भी शास्त्र आप खोज लो, कहीं भी क्लियर नहीं है, उसका लिंक क्या है वो भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पूछो कि चाइल्डहुड क्या है, बचपन क्या है, कोई नहीं बता सके। ये तुम ही जानते हो, हम भी नहीं जानते थे, बाबा को मिलने के बाद जानते। यह भी जानते हो क्या, माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। क्या करती है माया, माया भुला देती, याद भुला देती, आत्मा हूँ ये वो भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। बाबा ने कहा है कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो जरूर पूछो, डाउट नहीं करना, शंका नहीं करनी। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छींची विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है, अब हेल्पलाइन देखो कहीं भी तो युवाओं में जो सबसे बड़ी बीमारी स्वप्न दोष, या तो जो इरेगुलर पीरियड कहते वो है। देखो आप पूरा का पूरा हिस्ट्री देखो क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि क्या है, हमारा मन भटक गया है, यानी ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हाथ में आ गई ना, मोबाइल है या तो इंटरनेट है, वो क्या है, भटका देती है मनुष्य को थॉट में से। इसलिए स्वप्न भी
ऐसे आते हैं और छंग विकल्प भी छी छी आते हैं। आदित आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है न, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। बाबा प्रवेश नहीं करता तो वैल्यू नहीं होती हमारी भी या तो ब्रह्मा की भी। जैसा जैसा मनुष्य को देश, मनुष्य का देश वैसा वेश भी होता है, देश वैसा वेश कहते हैं ना। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े कोई कुब्जा किसकी आंख नहीं होगी। अब कहते यहाँ क्या है हैंडीकैप है क्यों, अपने कर्म के फल के अनुसार, मगर हमें किसी को कहना नहीं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है क्योंकि पांच तत्व भी सत्व प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती है। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे कि तुम्हें बुलाने को जी चाहता है, क्योंकि पांच तत्व कुछ न कुछ गीतों में भी ठीक है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है नहीं, वरना लोग मानते ही नहीं। अच्छा है कि मंदिर है यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, बाकी तो लोगों को परिचय नहीं। उनका ही गायन है और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। यही ऐसा युग को वरदान है, इसलिए कहते हैं ना कलयुग को वरदान है, कलयुग को नहीं कलयुग के अंत को वरदान। कि 3 दिन दिल से भक्ति करेगा तो साक्षात्कार हो जाए, मगर 3 दिन टिके नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये ऐसा श्रेष्ठ युग है जिसमें परमात्मा खुद आते हैं। गीता में भी कहते हैं कलयुग युग में सब खराबी है, मगर सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है कि वही युग में परमात्मा खुद आते हैं इस दुनिया में। बाकी सब खराबी है कलयुग की, मगर सबसे अच्छी चीज़ है कि जिसमें सर्वशक्तिमान बाप आकर क्या करता है, मनुष्य को देवता बनाता है। यदि कलयुग नहीं होता, उसका अंत नहीं आता, तो वो आ नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी है ना। लास्ट देखो 100 साल में ही है ना, 1927 से 2027 2 बिलियन में से 8 बिलियन, मतलब 4 गुना बस्ती बढ़ गई। अभी 100 साल भी नहीं हुए पूरे। तो बाबा कहते आत्माएं ऊपर से आती रहती है, बहुत है ना। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों को भी दिल होती है सम्मुख सुने। बाबा के सामने जो बैठकर सुनते हैं तो दूसरों के भी दिल होती है, यहाँ आ नहीं सकते, क्यों बांधे लिया है। और कोई भी संसर्गों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते, यहाँ ही मना करते हैं। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते हैं कि कहाँ से रास्ता मिल जाए, ढूंढते रहते हैं, मगर वो कहीं मिलता ही नहीं क्योंकि परिचय नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं, सही ज्ञान कहीं भी नहीं है। यहाँ तो कोई गुरु गोसा है नहीं, बाबा कहते हैं यहाँ गुरुडम है नहीं, किसी के पैर छू लो, किसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लो, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया बस खत्म, महात्मा कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, फर्क कुछ नहीं है। बाबा कहते कोई डिफरेंस नहीं है, वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं है, वह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ। कौन बोलता है, दादा बोलता है। इस हाल जो उड़ता वो पहनता था ठंडी में, तो वह भी मैं उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। बाबा की कपनी और जो था धोती ऑफिशियल ड्रेस है। बाबा कहते ड्रेस को तो देखना नहीं है ना, शरीर को भी नहीं देखना, तो ड्रेस को देखने की तो बात ही कहाँ रही। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है, कब जाएगी, जब शरीर नहीं देखेंगे ड्रेस नहीं देखेंगे तब। और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे, तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। इसलिए दादा का जहाँ जहाँ फोटो रखा, क्या देखो, दादा की भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान है, उनको ही देखो, दादा को नहीं। देही अभिमानी बनना है ने, इनके शरीर को नहीं याद करना है,
शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा नहीं करता है। वही नॉलेज फुल है, वही त्रिकालदर्शी है, कौन? शिव बाबा। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुना था, यही संगम का युग है। जब वो यहाँ आता है आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए, त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी वही बना सकता है। बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है, उन स्कूलों में तो बुढ़िया ये कुछ समझ न सके, स्कूल में बिठा दे, जो अनपढ़ है उनको क्या पता चलेगा। यह सबके लिए सहज है, नाम ये क्या है? सहज राजयोग। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा नहीं कहते तीर्थ स्थान करने के ला दिए जाओ, इतना पैसा खर्च करो, ये तपस्या करो, ये आसन प्राणायाम करो, बाबा कुछ नहीं कहते, सिर्फ याद की बात है। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं क्या, राम राम कहो यह कहो, मगर पूरी जिंदगी राम राम जपाई नहीं तो अंत में याद नहीं आता है ना, इसलिए बाबा कहते प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र देते हैं, दुनिया में भी क्या होता है 60 साल के बाद गुरु करते हैं, और गुरु कान में मंत्र देते और बोलते हैं किसी को बताना मत, और यहाँ तो बाबा कहते सबको बताओ, पूरा उल्टा है। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वाणी से परे परम धाम जाना ही है, क्योंकि अंतिम समय है। ऐसे तो और कोई कह न सके, कहीं भी सत्संग में चले जाओ किसी की ताकत नहीं है ऐसा कह सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या, ऐसा कहते तो कहेंगे ऐसा, हाँ मौत तो सबका होना ही है। इसलिए कहते हैं ना गीता में भी कि अर्जुन ये सब क्या है, मरे पड़े है, तुझे तो मात्र निमित्त बनना है, मैं ही कालों का काल महाकाल हूँ, सब मरे पड़े, इसका मतलब कोई मरे नहीं है, मगर उनके अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं नेगेटिविटी के, वही उनको मार देते हैं, परमात्मा नहीं मारता किसी को। अंदर जो पापों का बोझ है, नेगेटिविटी का कचरा भरा हुआ ना, उससे ही उनका विनाश होता है। परमात्मा कहते हैं मैं किसी का विनाश करता नहीं हूँ, उसका काम ही है कल्याण करना। इसलिए बाबा कहते हैं मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहाँ बहुत दुख है, दुख भोगती आत्मा वो तो छूटना चाहती है ना, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो, अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर देवी संतान बनेंगे, अभी तो कहाँ ईश्वरीय संतान है, अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग में तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते मतलब गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वो अच्छा रहता है नहीं, सतयुग में तो शीतल है ही, वहाँ शीतल बनाने की बात ही नहीं, मगर यहाँ क्या है, हमारा राइज होता है ना, फॉल नहीं होता है, जैसे ही हम सतयुग में गए फॉल चालू हो जाता है, उतराई चालू हो जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ अच्छा है, हर एक हर एक का राइज हो रहा है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच है, नामाचार ही सारा इस समय का है, किसका है, पुरुषोत्तम संगम युग का। दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है, सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला भी है बाप, दिल वाला मंदिर, दिल लेने वाला, दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारते बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने होंगे, तो शरीर तो पुराना हो ही गया है आत्मा के अनुसार, मगर आत्मा पुकारती है कि हम क्या हो गए, मैले हो गए, पुराने हो गए, अपवित्र हो गए, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है, दुख अशांति, तो आत्मा पुकारती है। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने, आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, अंधी अंधश्रद्धा मतलब ज्ञान नहीं है, इसलिए बुद्धि चलती ने बुद्धि को बड़ा गोदरेज का लॉक लगा दिया है माया ने, इसलिए बाबा कहते बुद्धिहीन अंधी मतलब अज्ञान।
मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, नहीं कहा जाता ना, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। थर्ड जो आई है वही क्लोज्ड है, बंद है, अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वो बिल्कुल भूल गई है। जैसे ही आत्मा नीचे आती भूल जाती है, मैं कहाँ से आई, आत्मा का पिता परमात्मा कौन, दो चीज़ खास भूल जाती। तो गोपी का ये कोई कहाँ से बुलाती है, क्योंकि बांधेली है ना, बांधेली गोपी का ये छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती है बाबा को, सब कुछ वाइब्रेशन के रूप में पता पड़ जाता है। बाप समझाते बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था मगर कैसा था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं, यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे यह भी पता नहीं, कुछ नहीं समझते। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, घर बार छोड़ देते, क्यों, प्योरिटी के लिए, और उसके कारण ही क्या होता है, उनको सब प्रणाम करते, क्यों, क्योंकि घर बार छोड़ा है, प्योरिटी अपनाई है, तो किसका पूजन है, प्योरिटी का है, सन्यासियों का नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे, क्योंकि सन्यासियों का तो वहाँ पार्टी नहीं है, वो वहाँ आ ही नहीं सकते हैं। इन बातों को वह मानते ही नहीं, उनके संस्कार ही नहीं है आत्मा के अंदर, इसलिए वो मानेंगे भी नहीं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं, खुद परमात्मा भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान। इसलिए मोक्ष की बात, जो परमानेंट मुक्ति की बात है, किसी को नहीं मिलता, एक जन्म तो यहाँ आना ही पड़ता है। जैसे मूवी में होता है ना, हर एक्टर को स्टेज पर आना ही है, अंत में सब एक्टर्स डायरेक्टर सब आ जाते हैं। उसी तरह परमात्मा कहते हर एक को यहाँ आना, एक भी ऊपर परमानेंट रह नहीं सकता। इसलिए मेजोरिटी पॉपुलेशन देखो 100 साल में ही इतना बड़ा है। अभी तुम जानते हो बाप, अभी तक कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं क्या, सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने के लिए, इतना ही याद करो। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे, तूफान लगने का मेन कारण। विवेक भी कहता है क्या, विवेक कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है, बाबा भी जानता है। पर बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है, बाबा भी जानता है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही कमाई होगी। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है ना, पहले के ज़माने में, आज भी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर बड़े खुश होते हैं स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ। अब कहते हैं तख्त नशीन मतलब नशा रहना चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं, दौड़ी लगानी चाहिए, रेस लगानी है। तुम जानते हो क्या, अभी बाप सम्मुख बैठे, कॉन्शियसनेस कहाँ भी बैठे हैं, बदल देनी है, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, कौन कहता करता है, परमात्मा, बाकी किसी की ताकत नहीं कोई को बच्चा कह सके। ब्रह्मा का तन तो मुकर है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, शरीर को बाबा देखता भी नहीं, तुम पुकारते थे बाबा आओ तो अब मैं आया हूँ। बाबा कहते मैं मेरा पूरा प्रॉमिस फॉलो करता हूँ, तो आप भी प्रॉमिस फॉलो करो। क्या हमने प्रॉमिस किया था, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो बाबा कहते मेरे को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, जो कचरा है वो मुझे दे दो, तुम आत्मा ये भी निराकार है, निराकार हो हम भी निराकार हैं,
तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए, यानी द्वापर से लेकर अभी तक। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको तो अपना शरीर का आधार है और आत्मा को अपना अपना शरीर है, हमको तो ये रोल लेना पड़ता है बाबा को। बाप बच्चों को कहते हैं अब पुराना चोला छोड़ना है, क्यों नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। बाबा कहते जितना हो सके उतना एफर्ट करो, कोशिश करेंगे तो याद बढ़ेगी वरना कैसे बढ़ेगी। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाए खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है ना, क्या बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो पूरे का पूरा क्या होता है, प्लानिंग होता है ना कि यहाँ जाना है कैसे जाना है, तो किसकी याद रहती है, यहाँ जाना है उसकी। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा, अभी हमें कोई फिजिकल यात्रा में नहीं जाना है, रूहानी यात्रा में जाना है। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है नहीं। लोग किसी को भी पूछो सर्वव्यापी है तो हाँ ही कह देते, मगर जब उनको पूछो कि मान लो है तो एक एक इंसान दूसरा इंसान को दुख देता, चीटिंग करता, खून करता, परमात्मा ऐसा कर सकता है, तो बोलते नहीं। इसलिए क्या है, फीलिंग है, वो रियलिटी नहीं है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है ने, उनको यह आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना, किसको, बाप को आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना। दुनिया में भी है ना, लौकिक बाप होता है तो क्या करता है, बच्चों को वर्षा देता है। इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है, बाप और बच्चों का संबंध है ना, बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को देना है, बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए, परंतु सभी बच्चे होने तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चे को याद नहीं रहता, क्यों, प्रैक्टिस नहीं, कच्चे क्यों है। शरीर निर्वाह बल कर्म करो, फिर पुरुषत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है ना, वो वृद्धि को पाती है। क्या होती है, आदत पड़ जाती है, कुछ न कुछ आगे पीछे करने की तो याद नहीं टिकती है। बुद्धि में रहना चाहिए, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है ना, बाबा कहते देखो 2 बार। कुछ कुछ बातें आटे में लून है, जैसे आटे में नमक डालते उतना ही शास्त्रों में सार है, सत्य है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे चित्र है, बाकी सब टूट फूट जाता है। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के है ना, कोई त्रिवेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, क्या क्या है, वेदों को जानने वाले वैसे शास्त्री अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए, भाषाएं देखो कितनी है। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होते। देखो बाबा क्लियर कर रहा, जिसको हम कहते हैं देवनागरी लिपि, जो अभी प्रायलोप हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी पहले, अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषा ये वहाँ नहीं हो सकती, वहाँ तो एक ही भाषा है, एक ही कुटुंब है, एक ही धर्म है, एक ही राज, दूसरा है ही नहीं, जो ताली बजे झगड़ा हो। ड्रामा के नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे, कल्प पहले मुवाफिक। यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ने, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, वहाँ नाम क्या है,
परिस्थान है दिल्ली का, परियों को रहने का स्थान, एंजल को रहने का स्थान। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको नए ते नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यह तो छी छी दुनिया है, बाबा कहते मैली गंदी दुनिया है, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। क्या बहन जी भाई जी, हम तो जाएंगे फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे, ऐसा लिबास पहनेंगे, है ना। बीच में एक प्रोजेक्ट चला था ना कि बेटर वर्ल्ड के लिए क्या होना चाहिए, तो कहीं बच्चों ने पूरी दुनिया बनाई थी कि कैसी कैसी नई दुनिया होनी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट चला था ब्रह्मा कुमार। तो बाबा कहते इसकी बात कर, कैसे लिबास होंगे, कैसी राजधानी होगी, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे, बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी 50 साल पहले की बात है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे, शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, है ना, प्रूफ है, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने, सबसे पहली भक्ति शिव बाबा की होती है, आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते, हम ही देवता थे, हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है, सोम रस कहा जाता है नॉलेज को, कोई स्थूल अमृत की बात है, जो कल की मुरली में पॉइंट थी ना, तो बाबा ने पीछे बात बताई थी, अमृत मतलब जो अमृत सर में अमृत है उसकी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सोमरस कहा जाता है यहाँ नॉलेज को, नॉलेज देने वाला बाप है जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो, पूजा भी तो होगी नहीं, घर घर में मंदिर बनाते, ऐसा था जमाना, घर घर में मंदिर था, खास करके शिव जी का, जिसने जिसने नए नए जो गांव बसाए, जिस मा जिसके भी एंसेस्टर देखो उनके अपने मंदिर होते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशुक परमात्मा के, क्यों, उनसे वर्षा लेने के लिए, वह विकार के लिए आशिक होते हैं, या फिर आत्मा परमात्मा माशुक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं परमात्मा को, उस माशुक की महिमा बड़ी भारी है, आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते, वो माशुक आता है, जो आत्मा आशिक पतित बन गई है उनको ज्ञान देकर पावन बनाता है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है, जैसी आत्मा वैसा शरीर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि स्कॉलरशिप लिमिटेड होती है, यहाँ बाबा 108 और 16108 तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी, ये सब तख्त नशीन है आगे वाला। कर्म करते याद में रहना कि कर्म योग है ने, बाबा के मुरली में कहा ने कि डिफिकल्ट है मगर प्रयत्न जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पर है इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल, बाप की याद में निरंतर रहना, याद का रजिस्टर ठीक रखना, इसलिए चार्ट लिखना है। आज का वरदान है निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले। विकारों की विदाई कब होगी, जब निरंतर योगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो प्योरिटी आएगी, प्योरिटी आएगी तो विकार जाएंगे। शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप वह तो शक्ति स्वरूप बनेंगे और तो ही पूजा होगी। तो बाबा समझाते हैं बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते, पहले दो वरदान,
एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। योगी बनो, पवित्र बनो। आज भी पांडव भवन के अंदर जाओ तो सबसे पहला ये मंत्रों को लिखा हुआ आप देखना बराबर बोल। तो बाबा जब कोर्स पूरा होता है तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को मैं दो वरदान देता हूँ, ये जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह दो चार घंटे के योगी नहीं होते लेकिन निरंतर के योगी होते। कब होंगे? जीवन में अनुभव करेंगे तब। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाय देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, बाबा के सामने रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। भाग्य बनाने वाले कौन है? हम है। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। तो बाबा कहते हैं उसके लिए अपने संकल्प शुद्ध बना लो, बाबा को सदा सामने रखो तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।